देखिए, कल देर रात उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के बॉर्डर पर, बॉर्डर की सीमा पर लगने वाले टंडन वन में, जो कि थाना शंकरगढ़ के अंतर्गत आता है, वहां पर 9 लोगों के एक गिरोह को कल रात गिरफ्तार किया गया है। इस गिरोह के जो ताल्लुकात हैं वो नवला खरवार गैंग से हैं, जो कि पूर्व में सामूहिक हत्या एवं बलात्कार जैसी दुर्दांत घटनाओं को अंजाम दे चुका है। इस जो गिरोह है पूरा, इनके खिलाफ लगातार प्रयागराज पुलिस की कार्रवाई जारी है। अभी तक कुल 31 लोग गिरफ्तार करके न्यायिक अभिरक्षा में भेजे जा चुके हैं। कल गिरफ्तार किए गए अभियुक्तों के पास से 2 अवैध असलहे तथा चोरी और डकैती जैसी घटनाओं को अंजाम देने के लिए जो हथौड़े, सब्बल इत्यादि इस्तेमाल होते हैं, वो इनके पास से पाया गया है। इन लोगों ने पूछताछ में बताया है कि इनमें से 3 लोग मुख्यतः वो रेकी करते थे गाँव में, और गांव के जो बाहर के लगने वाले घर होते थे जिसमें महिलाओं की संख्या थोड़ी ज़्यादा होती थी तथा पुरुष अपेक्षाकृत कम रहते थे और उसमें बच्चे रहते थे, उन घरों को ये निशाना बनाते थे। ये घर रेलवे स्टेशन के आसपास ये लोग चिन्हित करते थे, जिससे कि कोई भी अप्रिय घटना करने के बाद से ये लोग तत्काल मौके से फरार हो सकें। परंतु कल रात की मिली सूचना पर थाना शंकरगढ़ पुलिस द्वारा बहुत ही टैक्टफुली इन लोगों को घेराबंदी करके पकड़ा गया है। इन लोगों द्वारा अपने बचाव के लिए और वहां से मौके से भाग जाने के लिए पुलिस टीम पर फायरिंग भी की गई थी, और पुलिस द्वारा इन सभी लोग 9 लोगों को गिरफ्तार करके आज न्यायिक अभिरक्षा में भेजा जा रहा है। बहुत जल्द इनके अन्य लोग जो भी हैं सदस्य के, जो भी इस गिरोह के अन्य एक्टिव सदस्य हैं, उन लोगों को भी चिन्हांकन करके उनके विरुद्ध भी प्रभावी कार्रवाई की जाएगी। इनका जो उपनाम